तो बच्चों आपके समक्ष आज मैं वोकैबुलरी लेसन 3 लेकर आ रहा हूँ। इसमें 3 वर्ड्स हैं। देखिए फर्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंट, इसका स्पेलिंग है EXTRAVAGANT, एक्स्ट्रावेगेंट। यह एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका अर्थ होता है फिजूल खर्च करने वाला। तो इस पर हम सेंटेंस बना सकते हैं कि जैसे आदित्य एक्स्ट्रावेगेंट हुआ है, आदित्य एक फिजूल खर्च करने वाला लड़का है, एक्स्ट्रावेगेंट बॉय, एक्स्ट्रावेगेंट बॉय। तो ये बॉय नाम है, इसके पहले एक्स्ट्रावेगेंट छोड़ करके फिजूल खर्च करने वाला आप एक नाउन बनाए कि ऐसा बच्चा आदित्य इज एन एक्स्ट्रावेगेंट बॉय। नेक्स्ट सेंटेंस है टू बी एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब एक्स्ट्रावेगेंट होना इज नॉट गुड, टू बी एक्स्ट्रावेगेंट इज नॉट गुड, यानी फिजूल खर्च करने वाला बनना अच्छा नहीं है। अब नेक्स्ट वर्ड है प्रोमलगेट। प्रोमलगेट का अर्थ होता है प्रकाशित करना, प्रचारित करना। प्रोमलगेट, प्रकाशित करना, प्रचारित करना। जैसे कि ये क्रिश्चियन लोग इंडिया जब ये आए तो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जितने भी मिशनरी स्कूल चल रहे हैं उसमें इन मिशनरियों का उद्देश्य है वो ईसाई धर्म का प्रचार करने में लगे हैं। तो प्रोमलगेट, जैसे द क्रिश्चियंस प्रोमलगेट अ बिलीफ, वे अपने एक विश्वास जो ईश्वर के प्रति जो है उनका, जो यीशु के प्रति, उसका वो प्रचार करते हैं। जैसे प्रिंसिपल ने एक नोटिस प्रकाशित किया तो द प्रिंसिपल प्रोमल्गेटेड अ नोटिस, इस तरह से हम सेंटेंस पे यूज करेंगे। प्रोमल्गेट वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का अर्थ होता है पंचायत का फैसला, ये नाउन वर्ड है। तो इसका हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, वर्डिक्ट का स्पेलिंग देखिए VERDICT, वर्डिक्ट। वर्डिक्ट मींस पंचायत का फैसला। जैसे आई एम एग्री टू द वर्डिक्ट, मैं पंचायत के फैसले से सहमत हूँ, आई एम एग्री टू द वर्डिक्ट। अच्छा, वन शुड नॉट गो अगेंस्ट द वर्डिक्ट, यानी किसी व्यक्ति को पंचायत के फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे, वन शुड नॉट गो अगेंस्ट द वर्डिक्ट। That's all.